ये है कि मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, अल्लाह ताला ना सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, ठीक है? तो कौन किस साल में, कौन किस साल में नहीं है, ये अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं। तो अल्लाह सबके नसीब ही अच्छे करे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मानूर और आप लोग देख रहे हैं मानूर 444। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के व्लॉग में मैं फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना, ठीक है? तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। A few moments later. अच्छा, मैं अभी आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने आज मंगवाया था ये ऑर्गन ऑयल अपने हेयर के लिए, ऑर्डर किया था। तो मैंने अपने बालों पे मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं लगाती वो मैं आप लोगों को आज शेयर करती हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी मंगवा सकते हो, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपने बालों की केयर इस तरह करती हूँ, बांधे तो मैं रखती हूँ, हर वीडियो में मैंने अपने बाल खोले नहीं होते क्योंकि मेरे बालों को नज़र लग जाती है, बाल मेरे ना स्ट्रेट है, तो मैं केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आप लोग भी अपने बालों की इजीली घर में केयर कर सकते हो। मैं तो ये चीज़ें मंगवाती हूँ तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास देख रहे हो आप ऑर्गन ऑयल है फ्रॉम मार्को मोरक्को, ठीक है? और ये प्रोफेशनल हेयर ऑयल है, क्या आप देख रहे होगे। अच्छा, ये किस तरह अप्लाई करोगे, जब आप नहा कर आओगे ये हल्का सा लेकर आप अपने बालों में लगा सकते हो। इससे ये है कि आपके बाल जो है ना, जैसे जो डैमेज हेयर होते हैं, दो मुँह हेयर होते हैं ना, तो ये दो मुँह हेयर जो होते हैं ये फौरन मतलब सही करता है, प्रोटेक्ट करता है हेयर को। और ये कितने का है ये भी मैं देखती हूँ, कितने का है ये तो मुझे पता भी नहीं है, अभी हम लोग इसकी प्राइस देखते हैं। अच्छा, इस पर एक्सपायरी मेंशन है, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कितने का मंगवाया है। और एक ये है मेरे पास सीरम एनजो का, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मेरे बालों पे ना असल में कैराटीन हुई भी है। आप लोग भी अपने बालों के लिए ये वाला एनजो हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो, ये भी कैराटीन सीरम है, ये देख रहे होगे आप यहाँ पर साफ तरह से मैंशन है, कैराटीन हेयर सीरम, ठीक है? ये एनजो, ठीक है? तो ये काफ़ी मतलब अच्छा है। और ये अच्छा, ये आप लोग बालों पे कैसे लगाओगे, जब आप लोगों के बाल हल्के हल्के गीले होंगे ना, तो फिर बालों के ऊपर यो करके आप नीचे रूट्स के अंदर हल्के हल्के आप ना अपने बालों के ऊपर लगाओगे तो इससे बालों में जान भी आती है। और ये है सिल्कपन, स्पूथपन आता है बालों के अंदर, अक्सर लोगों के बाल ना इतने खद्दर खद्दर होते हैं, ड्राई ड्राई होते हैं, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी मंगवा कर ट्राई करो। ज़ाहिर है आज हमारा व्लॉग है इंटरेस्टिंग, ये ना कि मैं अपनी पर्सनल टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है कि मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, अल्लाह ताला ना सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, ठीक है? तो कौन किस साल में, कौन किस साल में नहीं है, ये अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं। तो अल्लाह सबके नसीब ही अच्छे करे। बस ऐसा है ना कि अपनी चीज़ें देखती हूँ तो अपनी अम्मी की ना कमी मुझे महसूस हो जाती है, क्योंकि हर संडे संडे या हफ्ते के हफ्ते मेरी अम्मी ना मुझे अपने घर बुला लिया करती थी। अब ये ना कि मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, बाजी मेरी हैं वो जॉब करती हैं, मैं कभी उनके घर भी ये समझ लें कि नहीं जाती, लेकिन अब मैं चली जाती हूँ, कभी कभार चली जाती हूँ जब वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं, तो मैं मतलब ये समझ लें कि मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, बच्चे या मैं हूँ या अल्लाह है, ठीक है? भाई हैं वो दोनों छोटे, वो आ जाते हैं मिल लेते हैं, वो तो मैं घर में कैद, ना घूमने के ना फिरने के ना कहीं जाने के, सालों साल हम घर में ही रहते हैं। तो मैं इतना जानती हूँ कि अल्लाह ना सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो आज का व्लॉग मुझे पता नहीं था कि मैं व्लॉग में रोने लग जाऊँगी, तो मतलब अपनी माँ की कमी महसूस करती हूँ। माँ जो होती है ना वो सबके लिए बहुत कीमती होती है, और कोई किसी की माँ नहीं बनती, अपनी बेटी अपनी ही होती है, बस मैं इतना जानती हूँ। मैं अपनी माँ की छोटी बेटी थी, कम एज में अम्मी ने शादी कर दी थी, मेरी माँ यंग थी बहुत, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बहुत जवान ही थी, लेकिन ना अब मैं इस चीज़ की बहुत कमी महसूस करती हूँ, क्योंकि बस मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग में बात करूँगी। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।